पूरी दुनिया में राजस्थान शर्मसार हुआ है। अपराध के आंकड़ों की शुरुआत करें तो 10,92,000 ये मुकदमे रजिस्टर हुए हैं। ये राजस्थान की धरातल पर धरा पर पहली बार हुआ है। डिस्प्रशन कानून व्यवस्था के तौर पर राजस्थान के जनमानस के सामने खड़ा है। पूरी दुनिया में राजस्थान शर्मसार हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अपराध के आंकड़ों की शुरुआत करें तो 10,92,000 ये मुकदमे रजिस्टर हुए हैं। ये राजस्थान की धरातल पर धरा पर पहली बार हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अपराधों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इस बात की पुष्टि करता है कि 17 बलात्कार प्रतिदिन और 7 हत्याएं, ये राजस्थान की सरकार की कानून व्यवस्था का आलम है। छोटे छोटे आंकड़े हैं, 10 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं ये देश में एक नंबर पर हैं। 848 10 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं। आप सामाजिक विकृति मान सकते हैं, लेकिन कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार अपने जनता के लिए, प्रजा के लिए सुरक्षा का भरोसा देती है। लेकिन दृश्य देखिए, किस तरीके से एक शिक्षिका को, जमुआ रामगढ़ की एक शिक्षिका को जिंदा जला दिया जाता है। एक वृद्धा के चांदी के कड़े पैर काट कर ले लिए जाते हैं। जोधपुर की घटना बहुत पुरानी नहीं है, कल की घटना है। हिंडोन की घटना, बच्ची को बलात्कार किया, गोली मारी, एसिड डाला और उसके बाद उसको जिस तरीके से टुकड़े टुकड़े करके डाल दिया गया, मुझे लगता है कि लंबी फहरिस्त है। माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल यही नहीं, लेकिन जब सरकार सरपरस्त भेदभाव करने लग जाए, मुझे लगता है कि राजस्थान के, हिंदुस्तान के इतिहास में ये सरकार तुष्टिकरण के मामले में भी एक नंबर पर हमेशा लिखी जाएगी। क्या कारण था रामनवमी पर, हिंदू नववर्ष पर जुलूस पर प्रतिबंध लगते हैं और पीएफआई में हिजाब के मामले में यही सरकार तुष्टिकरण करके उस पर प्रतिबंध लगाती है। ऐसी सरकार जिस पर कानून व्यवस्था, न आदमी घर में सुरक्षित, न सड़क पर सुरक्षित, न अस्पताल में सुरक्षित, न स्कूल में सुरक्षित, मुझे लगता है ये सही कहा किसी ने कि सरकार ने अपने आप को भगवान भरोसे छोड़ दिया। जनता की सुरक्षा की बजाय सरकार को कुर्सी की सुरक्षा की फिक्र ज्यादा है।